नवागत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने पदभार ग्रहण किया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि यातायात व्यवस्था पुलिस की पहली प्राथमिकता रहती है कि अपने नागरिकों को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दी जा सके और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके और सभी नागरिक बिना जाम के अपने घरों तक आसानी से पहुँच सकें। और हमारी यही पहली प्राथमिकता रहेगी कि अपने नागरिकों को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था मिल सके और शासन के द्वारा अनलॉक 2 में जारी गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। जो लोग बिना मास्क के और हेलमेट के बाहर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के गाड़ियों का चालान किया जाएगा एवं जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा। मैं एडिशनल एसपी पे बांदा में तैनाती के दौरान प्रमोट हुआ था। इसके बाद में बांदा में, चंदौली में, मिर्जापुर में, महाराजगंज में और 34 बनारस में डिप्टी कमांडेंट के पद पर रहा और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सर, आप महाराज थके रहे हैं, अभी गोरखपुर यहाँ पे क्या प्राथमिकता रहेगी सर? यातायात पुलिस की व्यवस्था इसीलिए होती है कि नागरिकों को अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था मिल सके, उनका आवागमन सुचारू रूप से हो सके, जनता पर सुगमता से पहुंच सके, जाम की समस्या से उनको निजात मिले। तो इन्हीं दिशाओं में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो वाहन चालक हैं विभिन्न वाहनों के, उनको समय समय पर प्रशिक्षित कराया जाएगा और हर तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद वासियों को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर मिल सके। इसमें कोरोना कोरोना के दौरान जो दिशा निर्देश हैं वाहन चालकों को, जिस तरह से उनको कितनी सवारियां लेके चलना है, क्या क्या उनको अपने वाहन में रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और चेक भी किया जा रहा है। सर, बहुत से लोग अभी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या सचेत? सबको मास्क का प्रयोग करना है और ये अनिवार्यता करना है। इसमें जुर्माना भी हो रहे हैं, इसमें चालान भी कराया जा रहा है, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें।